मामला ये था कि ग्राउंड में ड्यूटी लगा था होमगार्ड बहाली में। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ कि जो इनके मतलब सीना में अचानक दर्द है, दर्द आने से जो है वहीं पर लेट गए। मामला अभी थोड़ी देर पहले वो आई थी, शायद कैंप वगैरह हो रहा है कहीं होमगार्ड का, चेस्ट पेन करके आई थी। अच्छा, और पेशेंट बहुत बेचैन थे, मतलब सांस लेने में परेशानी था। जहानाबाद शहर के एरोड्रम स्टेडियम में चल रहे होमगार्ड बहाली के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग इसके बाद भागे भागे अस्पताल पहुंच गए। दरअसल बहाली के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षी अचानक चक्कर खाकर गिर गई, जिससे मैदान में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे PMCH रेफर कर दिया। बीमार महिला आरक्षी उषा कुमारी बताई जा रही है, जो पुलिस लाइन में तैनात थी। ग्राउंड में ड्यूटी लगा था होमगार्ड बहाली में। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ कि जो इनके मतलब सीना में अचानक दर्द है, दर्द आने से जो है वहीं पर लेट गए, जिसके बाद मतलब वहाँ सिपाही के द्वारा दबाया उबाया गया सीना, उसके बाद एम्बुलेंस से लाया गया सदर हॉस्पिटल। अच्छा, तो क्या स्थिति है अभी? यहाँ की स्थिति अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, रेफर कर दिया गया पटना के लिए। अच्छा, तो पहले से इस तरह की कोई बीमारी वगैरह थी क्या? हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन उनके गार्जियन आए हैं तो उनके द्वारा बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग तो साथ ही ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग जो चीज़ सामने दिखता है वहीं बताएंगे। अच्छा, क्या नाम है? उषा कुमारी। अच्छा, तो ये बताइए कि तो पहले से कुछ हार्ट वूट में प्रॉब्लम था क्या? पहले से उनके घर वाले बताएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे, ताकि उनसे बात तो हो नहीं रहा है पहले से क्या है क्या नहीं है। महिला आरक्षी को होमगार्ड बहाली के लिए एरोड्रम स्टेडियम में तैनात किया गया था। वो सुबह से ही मैदान में ड्यूटी पर डटी थी, तभी शाम 5 बजे के करीब उसे अचानक चक्कर आ गया, साथ ही सीने में दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद सहयोगियों ने आनंद फानन में उसे एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु PMCH रेफर कर दिया गया। इधर सदर अस्पताल में इलाज कर रहे चिकित्सक ने बताया कि आरक्षी हृदय रोग की पेशेंट है, इसलिए विशेष उपचार के लिए उसे PMCH रेफर किया गया है। मामला अभी थोड़ी देर पहले वो आई थी, शायद कैंप वगैरह हो रहा है कहीं होमगार्ड का, चेस्ट पेन करके आई थी। अच्छा, और पेशेंट बहुत बेचैन थे, मतलब सांस लेने में परेशानी था, और पहले से जैसा पेशेंट बताया कि हम हार्ट का दवा खाते हैं, हार्ट डिजीज पहले से था, तो हम लोग जितना हो सका सब किए हैं, और जो पेशेंट स्टेबल हुए फिर रेफर कर दिए PMCH को, चूँकि उनको ECG वगैरह या हार्ट के सारे जाँच करवाना पड़ेगा कि क्या स्थिति, इसके लिए मतलब बेटर ट्रीटमेंट के लिए फिर हम लोग PMCH रेफर। क्या नाम है पेशेंट का? नाम उनका है उषा कुमार। अच्छा, क्या कॉन्स्टेबल है? कॉन्स्टेबल है। सर का क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रभात हुआ। जहानाबाद से बोलता बिहार के लिए मुकेश की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।